यानी एनिसोल, एनिसोल की प्रिपरेशन। तो एनिसोल क्या होता है? एनिसोल होता है ये, इसे अपने को हम बोलते हैं एनिसोल, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन हम इसी से करना चालू कर देते हैं। हम क्या ले लेते हैं, एक फिनॉल ले लेते हैं और फर्दर फिनॉल की रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड NaOH से करा देते हैं। किसके? NaOH, क्योंकि फाइनली मुझे क्या चाहिए अपने को, ONa चाहिए। क्या चाहिए? ONa चाहिए, यानी फिनॉक्साइड एंड आई एटम्स चाहिए, मुझे आयंस चाहिए। अब इसकी रिएक्शन आप एक स्टेप करा दो, किसके साथ? जैसे हमने पिछले वाले रिएक्शन में विलियम सिंथेसिस का यूज किया था ना, वही वाली सेम टू सेम रिएक्शन यहां भी करा देते हैं। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देता हूं? एच एक्स के साथ करा देता हूं। तो ये मेरा फॉर्मेशन कर देगा, सॉरी यहां मैं यूज कर लेता हूं, जिससे मेरा प्रोपरेशन हो जाए अच्छे खासे से। सी एच थ्री एक्स यूज कर लेते हैं, जो कि हम पिछले वाले में यूज किए थे CH3X। तो नॉर्मल मेरे को एनिसोल मिल जाएगा, एक नॉर्मल एनिसोल मिल जाएगा जो कि मुझे चाहिए। हाँ ठीक है, इसका मैकेनिज्म तो आई थिंक सो कराने की जरूरत नहीं है, बट होपफुली अगर मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी तो कमेंट करना। अब स्टार्ट करते हैं इसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो एक स्क्रीनशॉट हो गया हो तो जस्ट इसी में आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर से मैं रब करके सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करता हूँ। तो यही है, बस यहाँ पर CH3 जोड़ दो और अब केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते। पहली केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज, चौथी केमिकल प्रॉपर्टीज, हो गया। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी आपका ब्रोमिनेशन रिएक्शन करा दो, या फिर इसी को हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, GENAT, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं? Br2 की प्रेजेंस में करते हैं। अब Br2 की प्रेजेंस में अगर इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या फॉर्मेशन होगा अपने पास? ये कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पास CH3 ही रहेगा, और हमेशा ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या, Br यहाँ अटैक मार देगा, एक Br, सॉरी पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, पैरा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ऑर्थो एक पैरा वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, पैरा एनिसोल बोल सकते हो। इसे क्या बोला जाएगा अगर नाम लिखते हो तो, एक इसके साथ साथ ये भी मिलेगा, उसको बना लेते हैं फिर लिखते हैं इसका नाम OCH3 और उसके साथ साथ ये भी आर। तो इसे क्या बोला जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिसोल, ठीक है। उसके लिए क्या लिखोगे, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, कंप्लीट है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी ब्रोमिनेशन रिएक्शन के बाद एक और रिएक्शन है, ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन करा दो। नाइट्रेशन रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन है सारी सारी करा दे, TRATIO नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? HNO3 की प्रेजेंस लेते हैं और एडिशनल में H2SO4 की प्रेजेंस में। नाइट्रेशन रिएक्शन नॉर्मल हम नहीं करा सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों ही के दोनों क्या लिया जाता है, कंसेंट्रेटेड लिया जाता है, एक बात ध्यान रखना। और यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा, ओवरऑल OCH3 और एक यहाँ पास NO2 और उसके साथ साथ यहाँ पास OCH3 और यहाँ NO2, ठीक है। एक क्या बना लिया, ये वाला पैरा नाइट्रो एनिसोल और ये ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, कंप्लीट। नेक्स्ट आती है इसकी सल्फोनेशन रिएक्शन, जिसे बोला जाता है सल्फोनेशन रिएक्शन, जो कि H2SO4 के साथ कराई जाती है। सारी नेमिंग रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन जिसे बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो बेसिक रिएक्शन, ठीक है। इसको किसके साथ कराते हैं, H2SO4 के साथ कराते हैं। तो ये मेरा क्या फॉर्मेशन कराते हैं, OCH3। बारीक सारी सारी रिएक्शन बहुत ज्यादा आसान है, यहाँ पास SO3H और इसके साथ साथ एक ऑर्थो वाला भी प्रोडक्ट मिल जाएगा, OCH3 और SO3H, कंप्लीट। इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाता है अपने पास पैरा सल्फेटो एनिसोल और इसके बाद वो आ जाएगा ऑर्थो के लिए, ठीक है। एक हम इसके लिए दो और रिएक्शंस आ रही है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक है एक फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन किसके साथ किया जाता है, RCOCl के साथ कराते हैं। RCOCl के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराते हो तो फर्दर ये हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड देता है, ओ यहां पास
ओ सी एच थ्री, जहां पर जो जुड़ा है उसकी जगह। अब यहां पर सोचो और बताओ एक चीज है जो चेंज होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है। ना खो, क्योंकि आपने शुरू में ही बोल दिए सारी सारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पास तो कोई चेंजेस आने के चांसेस नहीं। यहाँ पास से क्लोरीन हटेगा और यहाँ पास माइनस ऑफ HCl बन जाएगा और ये पूरा का ग्रुप यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो OCr, ठीक है OCr। चलो एक ऑर्थो के लिए बनेगा और सेम टू सेम एक पैरा के लिए बना लेना। एक और रिएक्शन मैं करा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, इधर साइड करा देता हूँ। किसके साथ रिएक्शन? CH3Cl, CH3X के साथ, ठीक है। इसके साथ अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो फर्दर ये आप प्रोडक्ट अपने पास में देखने को मिलेगा और यहाँ पास से ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा और उसके साथ साथ माइनस ऑफ HX, ठीक है। ये यहाँ पास से ही है, ठीक है ना, यहाँ तक है। नेक्स्ट एक आखिरी रिएक्शन जो कैलिबेज वाला मैंने बताने के लिए बोला था, तो कैलिबेज वाला भी देख लो। कैलिबेज वाला रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा मैं? सेम टू सेम मैंने जो ऊपर वाले के साथ कराया तो वही वाला यहाँ भी रिएक्शन कराऊंगा। मान लेता हूँ मैं क्या ले लेता हूँ, HCl ले लेता हूँ और हाईली कंसेंट्रेटेड HCl ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या पास वहां पास रिमूव कर देगा और ये मुझे क्या दे देगा, फिनोलवा दे देगा OH, और उसके साथ साथ क्या CH3 CH3X मिल जाएगा नेगेटिव में। ठीक, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो क्लियर है आई थिंक सो, टॉपिक भी क्लियर है। और यहाँ अगर कोई डाउट आए तो फ्रीली कमेंट करना भाई लोग, और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम इसी से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कुछ टॉपिक जो हमारा क्वेश्चन लेक्चर होने वाला है और इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर भी होने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के लिए जय दिल से धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।